हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निक गेमर। मैं आज खेल रहा हूँ फ्री फायर गेम, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दो ताकि आपको मिल सके मेरे हर एक अपडेट सबसे पहले। और अभी हम लोग ग्रेवियर्ड के आसपास उतर रहे हैं। इस उतरते ही कोई अच्छा सा गन मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और पास ये गन है, इस कार है, और उठा लिया इस कार और देखते हैं आगे जाते हैं और गेम पे क्या होगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं। शॉर्ट रेंज अभी MP40 अभी तक नहीं मिला है, मुझे MP40 ढूंढना है। और मेडिकेट भी है मेरे पास एक, और बैग भी अभी तक नहीं मिला है। MP40 मिल गया है और MP40 ले लेता हूँ। MP40 जो शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज क्या मतलब आसपास के लिए बहुत बढ़िया है। और इस कार जो इससे दूर दूर का बंदे को मार सकते हैं। क्या इस गेम पे हम बुईया कर पाएंगे या नहीं, देखते रहिए। और P90 बड़ा हुआ है, लेवल 1 का वेस्ट है, लगा लेता हूँ आगे जाके हाई लेवल का वेस्ट मिले तो उठा लूंगा। और एक के मिल गया है तो एक के उठा लेता हूँ। और यार एमो थोड़ा ज्यादा चाहिए और सो इसलिए SMG में फेंक के यार एमो ले लिया। और अभी बैग ढूंढना, लेवल 2 का हेमलेट है यहाँ पे पड़ा था। व्हीकल क्या, व्हीकल से चलता हूँ। ग्रेवियर्ड पे बंदा है, वहाँ पे जाके ग्रेवियर्ड के बंदे को मारने का कोशिश करूंगा और किल लेने का कोशिश करूंगा। यहाँ ऊपर चढ़ जाता, ऊपर से फायरिंग करता हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था। उसको पूरा मारने का कोशिश करता हूँ और इसको डाउन कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेडिकेट मिला है और जाके उसको पूरा मारने का कोशिश करूंगा क्योंकि अभी तक मुझे किल नहीं मिला है। और यहाँ ऊपर एक बंदा था शायद, नहीं उसको मार दिया गया है। और अंदर एक है, वो तो कोई नहीं है, मर जाएगा ऑटोमेटिक, मुझे किल मिल जाएगा बहुत जल्द। और वो डाउन है, उसका स्क्वाड का बंदा अभी आसपास है, आने देता हूँ उसको। पूरा मार के कोई फायदा नहीं है। वो मिल गया है किल, मुझे यहाँ पे किल मिल गया है और लेवल 1 का बेस्ट मिला है अभी तक। देखता हूँ आगे जाके, लेवल 2 का बैग पड़ा हुआ है, लेवल 2 का बेस्ट भी है। यहाँ पे मेडिकेट मार लेता हूँ, थोड़ा डैमेज हुआ था। और नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ गेम पे क्या होता है। हमारे स्क्वाड के सभी लोग आसपास है और यार एमो थोड़ा कैरी कर लेता हूँ, यार एमो भी बहुत कम था। और यहाँ कोई आसपास और बंदा मिले, इस लूट बॉक्स में कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये छोटा सा गन उठा लेता हूँ, थोड़ा काम आएगा कभी अगर मेरा यार एमओ खत्म हो गया और दूसरा गन के गोली खत्म हो गया तो। यहाँ पे SMG MO है, SMG MO भी उठा लेता हूँ मेरा। यहाँ पे मेडिकेट भी है, यार एमओ भी है। और ऐसा लग रहा है मेरा बैग फुल हो गया है और मेडिकेट उठा लेता हूँ SMG MO छोड़ के। और यहाँ आगे देखता हूँ गेम पे क्या क्या होगा, बने रहिए मेरे साथ। और कुछ लूट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे यार एमओ पड़ा है, SMG MO फेंक के यार एमओ ले लेना सही है। और यहाँ पे नेक्स्ट सेफ जोन कहाँ पे पड़ेगा ये भी देख लेता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आपको मिल सके हर एक अपडेट सबसे पहले। और व्हीकल चला के देखता हूँ क्या होता है, व्हीकल से भी उड़ा सकता हूँ बंदे को। व्हीकल से उड़ाने से एमओ का जरूरत नहीं होता है, एमओ हमारा सेफ रहता है। और यहाँ पे आगे जाके देखता हूँ कोई बंदा है कि नहीं। यहाँ अपने स्कोर से ज्यादा दूर जाना अभी अच्छा नहीं है। इस घर पे क्या चीज है, यार एमओ है, उठा लेता हूँ। और गन का अटैचमेंट भी मिल गया है और अपने दोस्तों के साथ अभी हम सेफ जोन का बाहर है, सेफ जोन का अंदर जाके देखता हूँ। अंदर जाना चाहिए और येलो जोन पे जाना, ये जो येलो मार्क दिखाई दे रहा है वे मशरूम ले लेता हूँ, येलो मार्क बोल रहा था। ये येलो मार्क के अंदर अगर कोई बंदा हो तो रेड डॉट दिखाई देता है, जाके आसानी से मार सकते हैं। लेकिन अगर आप येलो जोन का अंदर हो तो एनिमी को भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो, तो
कभी आपका पास अच्छा स्कॉट, पूरा स्कॉट आसपास है तो येलो जोन पे घुसिएगा, और कहाँ पे बन रहा है तो अब अगर आप रश करके खेल रहे हो तो येलो जोन पे जाके देखिएगा कि आसपास कौन बंदा है और जाके मार सकते हो। अगर आप सरवाइव करके खेलना चाहते हो तो सरवाइव करके खेलने से येलो जोन पे मत रहिएगा। सरवाइव करना है तो येलो जोन पे रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि सरवाइव करने का मतलब ये है कि आपको लास्ट तक जिंदा रहना है, और एनिमी अगर एनिमी को पता चल जाए आप कहाँ पे है तो आपको मार सकते हैं एनिमी। और अगर आप रश करके खेल रहे हैं, आपको किल ज्यादा चाहिए, तो येलो जोन पे जाके आप देख सकते हैं एनिमी कहाँ है। और अभी तक मुझे एक ही किल मिला है, और गेम पे अभी भी 17 लोग अलाइव है, मतलब 17 लोग जिंदा है। और यहाँ पे मैं SMGM फेंक के मेडिकेट उठा लेता हूँ, और अभी तक मेरे पास 4 ही मेडिकेट है। और यहाँ पे और एक मेडिकेट है, उसे भी उठा लेता हूँ। और Level 2 का स्कोप मिला है, ये भी उठा लेता हूँ। अभी सेफ जोन का बाहर हो, सेफ जोन का अंदर जाना चाहिए हमें। क्या इस गेम को हम भूया कर सकते हैं? जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक अपडेट सबसे पहले। मैं फ्री फायर के अलावा भी दूसरे गेम भी बहुत सारे गेम, कैरम बोर्ड, लूडो, पबजी, या फिर दूसरे PC या मोबाइल का गेम जो भी है सब खेलता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि हर किसी गेम का अपडेट आपको देता रहूँ। अगर किसी भी गेम के बारे में कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और मेरा जो ऑफिशियल ईमेल ID है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे सामने यार्डोप पड़ा है, यार्डोप पे क्या है देख लेता हूँ। यार्डोप पे भी कभी भी यार्डोप मिले तो यार्डोप चेक कर लेना, धीरे धीरे जाके चेक कर लेना। Level 3 का वेस्ट मिला है, वो बहुत ही अच्छा है। Level 3 का वेस्ट मिल गया है जो मुझे वेस्ट में डैमेज थोड़ा कम देगा। कोई गोली करेगा तो मेरा वेस्ट में डैमेज कम आएगा, मुझे डैमेज कम आएगा। और यहाँ पे सामने डेंजर जोन भी है, और मैं अब ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपना चैनल पे एक गूगल रिडीम कोड डालना चाहता डालने वाला हूँ। और आपको इस रिडीम कोड से क्या क्या मिल सकता है? आपको इस रिडीम कोड से आप फ्री फायर या फिर दूसरे गेम को भी गेम पे कुछ भी परचेज करना हो तो परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत ही जल्द डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरा इस यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन बहुत जल्द मिलने वाला है। मोनेटाइजेशन का बहुत ही करीब हूँ मैं, और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया मेरे चैनल पे आके वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो, और आपको इस सपोर्ट के कारण मेरा चैनल बहुत ही ऊपर जा रहा है, लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है। और और इस चैनल को बहुत फायदा मिल रहा है जो आप आते हो और वीडियो को देखते हो, और इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपको कुछ बदले में कुछ मिले। इसलिए मैं गूगल का रिडीम कोड देना चाहता हूँ, और बहुत जल्द दे दूंगा। मुझे मोनेटाइजेशन मिलते ही मैं गूगल का रिडीम कोड डालना चालू कर दूंगा, और मुझे शायद बहुत जल्द मोनेटाइजेशन मिलने वाला है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हम फिर से गेम पे आते हैं। गेम अभी सेफ जोन का बाहर हो गया हूँ आपसे बात करते करते, और अंदर घुस गया हूँ। गेम पे अभी भी 8 लोग बाकी हैं, और हमारा स्क्वाड का पूरा 4 ही लोग बाकी है, मतलब हमारे अलावा और भी 4 लोग बाकी है गेम पे। और क्या हम इस गेम को भूया कर पाएंगे? और यहाँ पे हाँ,
एनिमी को ढूंढ के मारना पड़ेगा। अभी तक मुझे एक किल मिला है, मुझे और किल चाहिए। और ये मशरूम भी ले लेता हूँ, मेरे पास 5 मेडिकेट पड़ा हुआ है। और हमेशा मशरूम मिले तो मशरूम का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। सामने क्या है, ये मेरा बैग फुल है शायद, मिल के ऊपर, मिल के आसपास ये मतलब ये सेफ जोन है, तो हमें सेफ जोन का अंदर जाना चाहिए। अभी तक गेम पे 8 लोग जिंदा है, क्या हम इस गेम को भूया कर पाएंगे? शायद मिल पे बंदा रहेंगे, और इस गेम को बहुत ही सोच समझ के खेलना चाहिए, खेलना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोग, हम 4 हैं, और ऑपोजिट में जो जो स्पॉट है शायद वो भी 4 ही हो सकते हैं। अगर 4 हो गए तो बहुत ही तगड़ा होगा। ये हाफ पे यार्ड ऑफ पे क्या है, लेवल 3 का बेस है, जो अब मुझे ग्रोजा भी मिल गया है। ग्रोजा भी बहुत ही अच्छा एक गन है, बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है। कोई नीचे कोई बंदा है क्या? और यहाँ पे लग रहा है गेम को हम भूया कर लेंगे, बहुत ही करीब है भूया के। और AWM से कोई मार रहा है, अभी भी 7 लोग जिंदा है, अभी भी 7 लोग जिंदा है। कहाँ है ये बंदे, ढूंढना पड़ेगा। क्या मुझे और कोई किल मिलेगा? देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे बंदा है। हम लोग अभी सेफ जोन पे है, जो भी बंदा है वो यहाँ पे, देख लेता हूँ कहाँ पे है। मेरा HP और EP फुल है, बहुत ही अच्छा है। और हम पहाड़ के पूरे ऊपर है, और लग रहा है नीचे कोई बंदा है, जो भी है नीचे ही रहेगा। ये रहा बंदा, इसको मारने का कोशिश करता हूँ ग्रोजा से। ग्रोजा से बहुत ही अच्छा डैमेज देता है। क्या इस स्किल को मैं ले पाऊंगा या नहीं, मुझे इस स्किल को लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम, मतलब सिर्फ एक ही किल है। और ये गेम अभी खत्म होने वाला है, गेम पे 5 लोग बाकी है, मतलब सिर्फ एक ही एनिमी बाकी है, वो भी रेड डॉट दिखाई दे रहा है, वो भी सेफ जोन से बाहर है। अभी सेफ जोन का अंदर घुसने का ट्राई करेगा, उसी टाइम मारने का कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा बंदा, उसको मारता हूँ, बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा हूँ, 27 27 का डैमेज आ रहा है। और ये रहा खत्म, और हमें मिल गया है भूया। थैंक यू पूरा वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।